डियर पॉकेट एफएम के लिसनर्स, दोस्तनर्स, आप सुन रहे हैं श्वेता के साथ एक रोमांटिक कहानी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल देखने के बाद रतन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एंटरटेनमेंट मैगजीन लेकर वो हाई हील के शू पहने वो नमन के ऑफिस में गया और मैगजीन नमन के सामने फेंक कर उससे पूछा कि तुम ये अकेले ही तय कैसे कर सकते हो। नमन ने डॉक्यूमेंट नीचे रखे और उसकी चेयर के सामने खड़े होकर वो आगे एक्सप्लेन करने लगा, अगर हम इसी तरह से आगे भी इंतजार करेंगे तो टीना ही हम पर पलट कर वार कर देगी। वो बड़ी चालाक औरत है, हमारे हाथों में सबूत है जो उसे पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए काफी है, तो फिर हम इसका इंतजार क्यों करें। रतन ने नमन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे लग रहा था कि नमन ने जो किया है सही किया है, लेकिन फिर भी उसे पसंद नहीं है कि कोई उसे बिना बताए खुद से ही कोई फैसला ले। टीना अभी भी लंदन में ही है और इधर मुंबई में डायमंड स्टार उसके उन फोटो से उसके स्कैंडल को वायरल के अलावा कोई काम नहीं कर रहा है। जैसे सभी को टीना की बर्बादी का ही इंतजार है। फिर से एक बार टीना के चाहने वाले ऑनलाइन न्यूज देखकर उसे नफरत करने लगे और उसका करियर फिर से खतरे में नजर आने लगा। ये मत भूलो कि टीना ने पहले भी ऐसी मुश्किलों को बड़ी ही शांति से हैंडल किया है, रतन ने उससे कहा। इस बार भी उसे कोई बचा ही लेगा। ये सब कहने के बाद नमन ये सारी जानकारी एक एक करके रतन सिंघानिया को देने लगा। अगर टीना इसका बदला लेने की कोशिश करती है तो फिर से अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे देगी जो उसके मुंह पर ही एक तमाचा साबित होगा। उसे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसे बचा भी सकता है। हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि टीना पूरी दुनिया में सबसे अलग दिखती है। उसे हमेशा किसी के साथ सोने की इच्छा रहती है। मैंने पहले भी सुना है कि टीना हमेशा विदेश जाया करती है। वो कभी भी एजेंसी द्वारा बुक किए हुए होटल में नहीं रुकती। तो फिर वो कहाँ जा सकती है? वो अपनी काम वासना को शांत करने के लिए किसी ना किसी को ढूंढती रहती है। क्या उसने कभी नहीं कहा कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? डेड टॉक शो के इंटरव्यू में भी मुझे ऐसा लगा था कि उसका किसी आदमी के साथ अफेयर है। क्या मैं ही एक ऐसा हूँ जिसे ऐसा लगता है कि वो किसी शादीशुदा आदमी को बहका रही है? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तभी तुमने कई बार कहा है कि उसके पास बहुत दिमाग है, वो बहुत शातिर है। वो हमेशा कुछ ना कुछ खिचड़ी पकाती रहती है। क्या वो सिर्फ एक मॉडल ही है? क्या ये सारी बातें ही उसे न्यूज में सुर्खियां बनाने में मदद करती हैं? मुझे लगता है कि वो अभी भी किसी विदेशी की बाहों में होगी। एक बार फिर उसी टाइम उसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स आए थे तो उसने उनका सर्वर ही तोड़ दिया था। ये न्यूज जैसे ही मीडिया ने रिलीज की तो उसके बाद उन्होंने कोई आर्टिकल फॉरवर्ड नहीं किया। फिर बार बार ये बातें सबके कानों तक कैसे पहुंच गई? अब वो गंदी औरत लंदन चली गई है और कभी वापस नहीं आएगी। उसके इस स्कैंडल की न्यूज मीडिया में रिलीज होने के बाद कई मीडिया कंपनी डायमंड स्टार से कांटेक्ट करके उसे टीना के करंट स्टेटस के बारे में बताना चाहती थी, जबकि नमन ने साधारण सा जवाब दिया, मैं इस बात के लिए पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि डायमंड स्टार ने किसी को भी वश में नहीं किया है। ये पब्लिक को सलाह दी गई कि डायमंड स्टार ने तय किया है कि वो उसके साथ कोई प्रोग्राम नहीं करेगा। इसका मतलब ये भी है कि टीना ने कोई गलती जरूर की है और अब उसके पास पीछे हटने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। मीडिया ने अंशुमान से कांटेक्ट किया पर उस समय वो टीना के शो की प्रैक्टिस देख रहा था। उसे पता नहीं था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए उसने रितिका को ऑनलाइन सर्च करने के लिए कहा कि क्या चल रहा है। रितिका बहुत ही नाराज हो गई। जब रितिका ने अंशुमान को ये इन्फॉर्मेशन दिया तो वो गुस्से से लाल हो गया। अंशुमान ने रितिका के हाथों से फोन ले लिया। एक बार फिर उसने टीना की देखभाल करने की सोची। उसने रितिका को ये भी कहा कि टीना को ये सब पता भी मत चलने देना अभी। उसकी अभी सबसे पहली जिम्मेदारी जेकी का ये शो है, बस। रितिका ने अपने गुस्से को अपने दिल में ही दबाने की कोशिश की,
और अंशुमान की तरफ देखकर उसे उंगलियों से इशारा करके ओके कह दिया था उसने। अंशुमान अपना फोन लेकर बाहर आ गया और चर्च के सामने खड़े होकर रतन सिंघानिया को उसने फोन लगाया और कहा, प्रेसिडेंट रतन, तुम तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी के लिए श्योर हो? टीना वास्तव में अनलकी है, इतनी मेहनत करने के बाद भी आखिर में उसकी कंपनी ही उसको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। क्या तुम अब खुश हो कि टीना की इज्जत खाक में मिल गई? अंशुमान, अगर एक टीना चली भी जाती है तो क्या, यहाँ हजारों दूसरी टीनाएं आ जाएंगी। उसके इस तरह खत्म होने का सिर्फ एक ही कारण है कि उसने रतन को अपने बराबर समझा। उसे पता भी था कि बिहेव कैसे किया जाता है और बिना अपनी मर्जी चलाए मेरा कहना मानती। अब वो फ्यूचर में ये वादा जरूर करेगी कि जेके जैसे शो का हिस्सा कभी नहीं बनेगी। उसके पास इससे भी अच्छी कई जॉब्स हैं। इस बात के लिए वो किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकती है। अंशुमान ने गहरी सांस ली। उसे रतन सिंघानिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था। टीना तो सिर्फ अपना सपना पूरा करना चाहती है, वो किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहती है। सो सॉरी रतन सर। रतन ने सोचा उसकी बातों का गहरा मतलब हो सकता है क्या। उसने कहा, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? अंशुमान ये पूछने से पहले थोड़ा हिचकिचाया। क्या तुमने नताशा को भी इसी तरह मारा था? ये वर्ड सुनने के बाद और ये नाम सुनने के बाद, जिसका कोई जिक्र ही नहीं हो रहा था, कुछ पल के लिए जैसे वो चुप हो गया। रतन सिंघानिया एक बार हंसने से पहले एकदम से शांत हो गया था। मुझे विश्वास है कि तुम अच्छे से जानते हो कि मैंने नताशा को कैसे मारा था, और इस टीना को तो ऐसी जगह भेजूंगा कि वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। अंशुमान को लगा कि अब रतन से ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने फोन रख दिया, जबकि इस फोन कॉल का कोई मतलब नहीं था। उसने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। इसके बाद उसने मुंबई की मीडिया के सारे फोन कॉल्स को उठाया और उन्हें बताया कि जो भी बाहर ऐसी अफवाह फैली हुई है वो सब सच नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग प्रोफेशनल नियम को बनाए रखेंगे और किसी बेकसूर की बेइज्जती नहीं करेंगे। आरआर इंटरनेशनल का सीईओ जब मुंबई अपने ऑफिस पहुंचा, रणविजय ने जब उस स्कैंडल की न्यूज को देखा जो ऑनलाइन वायरल हो गई थी, उसने तुरंत ही अंशुमान को कॉल किया। रणविजय, तुम चिंता मत करो, अभी तक टीना को इस बारे में कुछ नहीं पता चला है। मैं अभी इस बात को ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसका असर जेके के शो में उसके कैरेक्टर पर पड़े। अंशुमान ने रणविजय को ये भी बताया कि उसके पास एक रिकॉर्डिंग भी है, जिससे ये साबित हो जाएगा कि रतन ने ही टीना को बदनाम करने के लिए ये सब किया है। रणविजय ने कहा, टीना का ध्यान रखना, उसका मूड खराब नहीं होना चाहिए, और मुझे वो रिकॉर्डिंग भी भेज दो। रणविजय इस समय सोच रहा था कि वो टीना का सामना कैसे करेगा। अंशुमान को लग रहा था कि रणविजय लोगों से बात करेगा, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री का राजा है और उसके पास बहुत ताकत है। मैं अभी तुम्हें वो भेजता हूँ। अंशुमान को लगा कि मेरे पास रखकर वैसे भी मैं क्या करूंगा। रणविजय इस मैटर को अच्छे से संभाल लेगा। वो भूल गया था इस रिकॉर्डिंग में नताशा की मौत का भी जिक्र है। रिकॉर्डिंग मिलने के बाद रणविजय ने उसे सुना और उसमें से उसने नताशा की मौत वाले पार्ट को कट करके उसे रोनित को हैंडल करने के लिए दे दिया। इस रिकॉर्डिंग को ऑनलाइन पर हॉट लिस्ट में डाल दो। ध्यान रहे, एक महीने तक ये सुर्खियों में बनी रहनी चाहिए। टीना बदनाम हुई क्योंकि उसने तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचाया है। एक महीना, तो क्या तब तक डायमंड स्टार के खत्म होने का इंतजार करें? एक महीने तक कुछ मीडिया कंपनी को इंस्ट्रक्शन दे दो कि वो अपनी टीम को इस न्यूज को वायरल करने में लगा दे। हमें रतन सिंघानिया की पब्लिसिटी करने में उसकी मदद करनी चाहिए। उसे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, अब मैं उसे दिखाऊंगा। ऐसा बोलकर रणविजय ने फोन रोनित को दे दिया। याद रहे, अगर कोई टॉप न्यूज में आने की कोशिश करे तो उसे डबल ऑफर करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डायमंड स्टार की न्यूज एक महीने तक सुर्खियों में रहे। डियर पॉकेट एफएम के लिसनर्स, मेरे साथ यानी श्वेता के साथ आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक कहानी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे, क्या तुमने ये रिकॉर्डिंग सुनी जो आज की न्यूज में टॉप पर है?
क्या बातें चल रही है? क्या ऐसा भी हो सकता है सब कुछ सामने आ गया? जो फैंस कल तक टीना के दीवाने थे वो आज उससे नफरत कर रहे हैं। टीना को पूरी तरह से बदनाम किया था कल, क्योंकि डायमंड स्टार के सीईओ उसे पसंद नहीं करते हैं। वो उनका कहना नहीं मानती है। क्या किसी ने सोचा होगा कि वो ऐसे है? क्या वो खुद को भगवान समझता है कि वो सब पर कंट्रोल कर सकता है? आज पासा बिल्कुल पलट गया था। जल्दी ही पत्रकारों ने ऑनलाइन न्यूज को ओपन किया, जो आज सुर्खियों में कुछ और ही था। ये सारी रिकॉर्डिंग टीना के मैनेजर अंशुमान और डायमंड स्टार के सीईओ रतन सिंघानिया की थी। काफी लोग उन्हें जानते हैं, इसलिए उनकी आवाज को आसानी से पहचाना जा सकता है। उस रिकॉर्डिंग में अंशुमान रतन सिंघानिया से पूछ रहा है, क्या वो टीना की बदनामी से संतुष्ट नहीं है क्या? जिस पर रतन सिंघानिया ने बड़े ही अभिमान से जवाब दिया कि उसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि टीना ने उनका कहना नहीं माना था। इतना ही नहीं, उसने अपनी ही एजेंसी की मॉडल को भी नीचा दिखाया है, इसलिए वो उसे अब अपनी कंपनी में नहीं रख सकता है। अब सबके बीच यही बातें हो रही है कि क्या ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक गहरी खाई है जो सच्चाई को सोख लेती है, जो फिर कभी किसी के सामने ना आ सके। टीना को फिर से उनका मोहरा बनने में टाइम नहीं लगा। उसी टाइम बहुत सारे लोगों ने, जिनके साथ ऐसे हादसे हो चुके थे, उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए काफी मैसेजेस किए और टीना को इसके लिए सपोर्ट किया। कोई भला कैसे सोच सकता है कि अगर उसके पास बहुत पैसा है तो वो किसी के भी सपनों को तोड़ सकता है और किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। वो बहुत ही बुरे लोग होते हैं। अब रतन सिंघानिया सफलता के शिखर पर पहुंच चुका है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ईमानदारी तो जैसे खत्म ही हो गई है। पूरी इंडस्ट्री इस तरह की गंदगी से भर चुकी है। रियली, मैं ये सच्चे मन से कहना चाहता हूँ कि इस रिकॉर्डिंग को पोस्ट करने वाला आदमी कितना अच्छा है। टीना की बदनामी का कारण ये था क्योंकि वो काफी लोगों के रास्ते का कांटा बन गई थी। टीना सच में और दुनिया में सबसे अलग है, जबकि यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मतलब से रिश्ते बनाने वाले भी हैं। टीना अगर इस तरह के रास्ते पर चलती रही तो उसे आगे भी ऐसी बातों का सामना करना ही पड़ेगा। टीना, क्या तुमने ही उस आदमी को इस रिकॉर्डिंग को इंटरनेट पर रिलीज करने के लिए कहा था? क्या तुम वही हो? तो अब तुम मुझे तुम्हें झुकाने दो। ऐसा नहीं लगता जैसे पूरा पासा ही पलट गया है। जिन लोगों ने टीना को बदनाम किया है वो टीना की ताकत को नहीं जानते शायद, इसलिए वो पासा पलटने के बाद भी सरप्राइज नहीं हुए। रिकॉर्डिंग को लेकर अभी तक लोग बातें कर रहे हैं। रात होने वाली थी। रतन सिंघानिया अपने घर पर सोफे पर बैठकर गुस्से से वही न्यूज देख रहा था जो ऑनलाइन पर आज टॉप पर बनी हुई थी। उसी समय रतन सिंघानिया ने अपना फोन निकाला और नमन को इंस्ट्रक्शन दिया कि वो अभी इस न्यूज की डील करें। पर नमन ने यही कहा कि अब इन सब का कोई फायदा नहीं है, मैं पहले ही सभी पत्रकारों को दुगनी कीमत का भी ऑफर दे चुका हूँ। क्या तुम ये पता कर सकते हो कि वो कौन है? रतन सिंघानिया सोफे से उठा और वापस गया। पक्का ये रिकॉर्डिंग अंशुमान की है, पर उसके पीछे का ताकतवर इंसान कौन है? क्या वो अंशुमान को जानता है? मैं कुछ भी पता कर नहीं सका। हो सकता है ये सब अंशुमान ने खुद किया है और टीना ने भी उसका साथ दिया है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई और इसमें उसका पार्टनर हो। क्या तुमने ऐसा कहा कि तुम्हारे पास कोई अचूक प्लान है? क्या तुमने ऐसा नहीं कहा कि तुम टीना को खत्म करने जा रहे हो? और आखिर में कौन इसका सामना करेगा? मैं? क्या तुम जानते हो मेरे लिए सब कुछ कितना मुश्किल हो गया था? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये न्यूज सुनी तो मैं छुपने की जगह ढूंढता फिर रहा था। रतन सिंघानिया ने गुस्से में चिल्लाया। वो बहुत इमोशनल हो गया और जैसे ही उसके पेट में दर्द होने लगा वो जमीन पर एक कोने में बैठ गया। अंशुमान इस इंडस्ट्री में लंबे समय से है और अगर वो अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करना चाहे तो ये पहले जितना आसान तो नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हारे किसी दुश्मन के साथ मिलकर ये काम कर रहा हो। तो प्रेसिडेंट रतन, अब तुम्हें बिना समय गवाए सबसे पहले अंशुमान को टीना के मैनेजर की पोस्ट से हटाना होगा। नमन ने सोचा कि इसका सबसे पहला समाधान
टीना और अंशुमान को एक दूसरे से दूर करना ठीक है, जबकि वो ये नहीं जानते थे कि जो उन्हें बंदर की तरह नचा रहा है वो रणविजय ही है। हमेशा से रणविजय ही टीना की मदद कर रहा था। क्या तुमने किसी दूसरी एजेंसी के आर्टिस्ट को झुकने की प्लानिंग नहीं की है? ये काम अंशुमान अच्छे से कर सकता है। हमारे लिए टीना को हटाना जरूरी है, उससे पहले हम अगला कदम नहीं उठा सकते। उनके मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ चुका है, वो अब केवल अगला कदम उठाने के बारे में ही सोच रहे हैं। रतन की सांसें तेज हो गई और वो सोफे पर लेट गया। तुम्हारा सबसे पहले काम उस रिकॉर्डिंग को गायब करना है, उसके बाद अंशुमान को कॉल करके ये कहो कि उसे टीना के मैनेजर की पोस्ट से उसे हटाया जा रहा है। समझ गया? अब जाकर नमन को थोड़ी राहत मिली, पर कुछ चीजें एक डायरेक्टर ऑफ आर्टिस्ट नहीं बदल सकता है। जैसे डायमंड स्टार की न्यूज, अब कोई फायदा नहीं ज्यादा कोशिश करने का, कोई भी दूसरी पार्टी इसे हटा नहीं सकती है। लंदन का जेके का शो भी बस स्टार्ट ही होने वाला था। पिछले दो दिनों से टीना जेके के शो की रिहर्सल करने और डिजाइनर से मिलने में ही बिजी थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ नए मौके को लपकने फिराक में था, इसलिए उसका ध्यान इस तरफ ही नहीं गया कि मुंबई में उसकी बदनामी हो रही है और अंशुमान और रतन के बीच की वो रिकॉर्डिंग नेट पर न्यूज में एक हेडलाइन बन चुकी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि इससे डायमंड स्टार का बुरा समय चल रहा था और खास तौर से उसके कैरेक्टर पर भी इन सब का बुरा असर पड़ रहा था। इसके लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है? टीना को जब भी टाइम मिलता था वो रणविजय से फोन पर बात करती थी, पर रणविजय ने उसे नहीं बताया कि उस समय मुंबई में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। उस रिकॉर्डिंग के खुलासे के कारण रतन ने उन पत्रकारों को भी काम से हटा दिया जिन्हें उसने टीना के पीछे लगाया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि टीना अब खतरे से बाहर थी, बल्कि अभी भी वहां आरके के रिपोर्टर थे। क्या तुम घबरा रही हो? तुम गहरी सांस लो, थोड़ी देर में बस ये शो शुरू ही होने वाला है। रितिका चेक कर रही थी कि टीना कैसा महसूस कर रही है। टीना ने स्टेज के पीछे कुछ हलचल देखी और फिर तब जाकर शांत हुई। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। इस वक्त कोई भी उसे फिनाले तक जाने से नहीं रोक सकता था, ना ही कोई उसे टक्कर भी दे सकता है। ये पूरा स्टेज सिर्फ उसके लिए है, ये एशिया के उन तमाम मॉडल्स के लिए एक फक्र की बात है। तुम्हें विश्वास नहीं हो सकता कि रतन ने अभी तक कोई प्लानिंग नहीं की है। रितिका के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। अभी वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती है, उसे तुमसे डील करने का टाइम कैसे मिलेगा? रितिका ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, वो बस होठों पर मुस्कान लिए मुस्कुराती रही। निसंदेह इस बार उसने उसे कुछ नहीं बताया हो, पर वो उसके हर बुरे पल में एक वेल विशर की तरह हमेशा उसका साथ दिया है। एक बार फिर उसने सबको पीछे छोड़ दिया है और अब उसका रास्ता बिल्कुल साफ है। ऑडियंस में भी सब अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। टीना को दिख रहा है कि रितिका ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, फिर भी उसने उससे कुछ भी नहीं पूछा। वो जानती थी कि वो आज नहीं तो कल वो सब पता लगा लेगी। अंशुमान अभी तक फोन पर ही बात कर रहा है। मैं उसे चेक करके आती हूँ, शो बस स्टार्ट होने वाला है। रितिका को लग रहा था कि टीना उससे लगातार सवाल करेगी, इसलिए उसने अंशुमान को बुलाने का बहाना बनाया, जबकि अंशुमान का मूड इस समय बहुत खराब था। ये एजेंसी का डिसीजन है कि तुम टीना को छोड़ दो। अगर तुम डायमंड स्टार में मैनेजर की पोस्ट पर रहना चाहते हो तो तुम्हें एजेंसी के इंस्ट्रक्शन को मानना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ उसने फोन पे ही उसे कहा या फिर तुम डायमंड स्टार को छोड़ सकते हो, पर अभी तक टीना डायमंड स्टार की मॉडल है, इसलिए उसके लिए नया मैनेजर किसी और को बना देंगे, उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये ट्रेनिंग तुम अब किसी नई मॉडल को दो, क्योंकि तुम किसी भी मॉडल को सुनिधि की तरह एक सफल मॉडल बना सकते हो। तुम उसके लिए टीना का विरोध क्यों कर रहे हो? अंशुमन नमन के इस एक्शन को समझ सकता था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे टीना के मैनेजर की पोस्ट से हटाया जा रहा है। डियर पॉकेट एफएम के लिसनर्स, मैं हूं श्वेता और मेरे साथ आप सुन रहे हैं एक रोमांस भरी कहानी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रतन ने इस रिकॉर्डिंग में ये भी कहा
कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम टीना के खिलाफ खड़े हैं, बल्कि टीना आज हमारे खिलाफ खड़ी है। वो किसी का कहना मानती नहीं है। एजेंसी एक ऐसी टीम होती है जहां सभी को एक दूसरे के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। डायमंड स्टार की मॉडल होने के नाते क्या उसे रतन सिंघानिया के ऑर्डर्स को मानना चाहिए? अंशुमान ये मत भूलो कि बिना डायमंड स्टार के तुम कुछ भी नहीं हो। अब टीना का करियर भी बर्बाद हो जाएगा। हिस्से नमन और रतन का घमंड उसे साफ दिखाई दे रहा है। अंशुमान मुझे आज अपनी बात पूरी करने दो। तुम तो अब तो टॉप मैनेजर कहलाने का हक भी खो चुके हो, क्योंकि तुमने रतन सर के खिलाफ होकर पहले ही साबित कर दिया है कि तुम इन सब में टीना का ही साथ दे रहे हो। नमन की बातें सुनकर अंशुमान को हंसी आ रही थी, पर वो अपने होठों को बंद करने की बेतहाशा कोशिश कर रहा था। उसका मूड अब पहले से कुछ ठीक हो गया था। अंशुमान ने कहा, नमन, तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या हक है और क्या नहीं, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि जिस पोस्ट पर तुम आज हो, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट मैं पहले ही ठुकरा चुका हूँ। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे मैनेजर की पोस्ट पर रहते हुए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे तो लगता है कि तुम्हें जरूरत है सीखने की बेहतर इंसान कैसे बना जाए। और रही बात मेरी पोजीशन की, तो मेरी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। मेरी काबिलियत और कंपनी के सीक्रेट्स के आधार पर मैं जानता हूँ कि वो किसी और को चुन सकता है। जरूरी नहीं है कि वो मुझे ही चुने। ऐसा बोलने के बाद अंशुमान ने फोन रख दिया। अब रतन सिंघानिया के ऑर्डर्स को मानने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। जबकि रितिका उस बातचीत के बीच में आई और उसने पूछा कि तुम शो देखना चाहते हो, क्योंकि शो अब शुरू हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं था, क्योंकि ये टीना की इंटरनेशनल स्टेज पर ऐसा पहला कोई इंटरव्यू था। इंटरनेशनल स्टेज पर क्या प्रस्तुत होने जा रहा है? टीना का मेल बॉक्स इस तरह के साधारण से सवाल और जवाबों से भरा हुआ था, जो इनबॉक्स पहले इंग्लिश और अदर लैंग्वेज के मेल से भरा हुआ था। उसमें अब कई सारे हिंदी में भी मेल आ रहे थे, इंडिया से और उसके कई सारे शहरों से भी। टीना के स्टेज पर आने से पहले ही चेंजेस हो चुके थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जेके के विज्ञापन में एशियाई चेहरा दिखाई दे रहा था। दर्शकों का टीना पर विश्वास लगातार बढ़ता ही जा रहा था। उन्हें इस बारे में पहले ही ये अनुमान हो गया था कि जिस तरह टीना पहले ही ओरिएंटल ट्रेन से पूरे अमेरिका में छा गई थी, उसी प्रकार आज भी वो छा जाएगी। सबसे पहली बात तो ये थी कि इस समय फैशन की दुनिया में एशिया का गहरा असर था। अंशुमान और रितिका चर्च के अंदर भी एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे, जबकि उसी समय एक अमेरिकन आदमी और अमेरिकन औरत सीढ़ियों पर बैठकर स्मोक करते हुए दिखाई देते थे उन्हें। असलियत में वो उनको नहीं देख रहे थे। अंशुमान ने उनके मुंह से धीरे से टीना का नाम सुना। ये एशियन मॉडल्स कितने सिंपल होते हैं। मैंने उस मेल मॉडल डेविड को आधे पैसे लेने को कहा और वो आज स्टेज पर वो उस एशियन मॉडल को गिरा देगा। डेविड? अंशुमान को याद आया कि ये तो वही मेल मॉडल डेविड है जो टीना के साथ उस दिन स्टेज पर चल रहा था, इसलिए वे लोग आज टीना को स्टेज पर गिराने वाले हैं। अंशुमान के चेहरे पर अजीब सी हाव-भाव दिखाई दे रहे थे। अगर आज टीना इंटरनेशनल स्टेज पर इस तरह से गिर जाती है, तो उसका इंटरनेशनल करियर पूरी तरह से शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाएगा। तो वो मेल मॉडल टीना को बर्बाद करने के लिए पैसे क्यों लेगा? अंशुमान ये सब सोचने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि इंडस्ट्री में आजकल प्रचलित है, मेल मॉडल्स फीमेल मॉडल से थोड़े कमजोर ही होते हैं। मेल मॉडल पार्ट टाइम ही काम कर पाते हैं, जबकि फीमेल मॉडल्स ने इस इंडस्ट्री में कुछ खास मुकाम भी हासिल किया हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये कि मेल मॉडल्स की फीस फीमेल मॉडल से काफी कम भी होती है। खास तौर से इस मेल मॉडल डेविड के लिए, जो कहीं से भी किसी तौर पर अपने लिए कोई भी स्टैंड नहीं ले पा रहा था, इसलिए जब उसे पैसे का ऑफर किया तो उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था उसे रिजेक्ट करने का। अंशुमान, तुम किस सोच में डूब गए हो? रितिका ने पूछा। अंशुमान एक मिनट के लिए चुप हो गया और फिर पूछा, क्या रणविजय सर यहाँ है? ऑडियंस में? क्यों? रितिका बड़ी ही दिलचस्पी से उसे निहार रही थी जब वो ऑडियंस की ओर देख रहा था। रणविजय गहरे नीले रंग का सूट पहने ऑडियंस में ही कॉर्नर की सीट पर बैठा हुआ था, क्योंकि उसकी एक अलग पर्सनालिटी थी।
जबकि उसने फैशन इंडस्ट्री में एक अलग ही रुतबा बना रखा था। उसका एक अलग ही चार्म था जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। अंशुमान ने जब रणविजय को शांति से देखा तो उसने महसूस किया कि उसकी आंखों में साफ तौर से टीना के लिए ढेर सारा सपोर्ट दिखाई दे रहा था। इसलिए अंशुमान उठा और रणविजय के कान में हल्के से कुछ फुसफुसाया। रणविजय उसे जल्दी से घूरने लगा था, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद रणविजय की आंखें किसी गिद्ध पंछी की तरह बड़ी बड़ी नजर आने लगी थी। अमाउंट पता करो और उस आदमी से मोल भाव करो, मुझे कोई परवाह नहीं कि क्या कीमत है, रणविजय ने उसे शांति से इंस्ट्रक्शन दिया। उसके लिए पैसे हम शो के बाद डील करेंगे। अंशुमान रणविजय के कहने का मतलब समझ गया था। उस समय पैसा ही एकमात्र ऑप्शन था, लेकिन उसे अभी इसके लिए कीमत लगाना, क्या वो अभी ऐसा करेगा? डेविड तो रतन सिंघानिया का पहले का प्लान है। इतना ही नहीं, साउथ कोरिया के पत्रकारों को भी कुछ हासिल नहीं हुआ। वो भी किसी हाल में टीना तक नहीं पहुंच पाए थे, जो कि वो चाहते थे इस वक्त। इंटरनेशनल लेवल, मैं ये सिर्फ तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ, तुम सोच सकते हो कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। रतन ने अपनी कलाई पर एक महंगे सी घड़ी पहनी हुई थी, जो जैसे उसके अपने इस बुरे वक्त का मजाक उड़ा रही थी। और वो भी अपनी इस घड़ी को देख कर ये सोच रहा था कि अगर वो टीना को टॉप पर ले जा सकता था तो ठीक उसी तरह से उसे वापस से नीचे लाने का भी तरीका जानता था, वो भी जब जिस तरह से चाहे उस तरह से। चलो इंतजार करो और देखो कि एशियाई मॉडल टीना इस डे के शो के स्टेज पर लंदन के इस फैशन वीक में अपने आप को किस तरह से पेश करती है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। रणविजय स्टेज के नीचे ही बैठा था। उसे स्टेज पर हुए उस हादसे की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन क्योंकि टीना इसमें शामिल थी इसलिए वो उसके लिए थोड़ा परेशान था। उस समय कोई भी जैसे उसके कान को उस तरह से छूकर फुसफुसाने की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। कोई भी उसके घबराने का मतलब नहीं जानता था। बड़े ही अच्छे क्लासिकल म्यूजिक के साथ जेके का शो ऑफिशियल तौर पर शुरू हो चुका था। दो ओपनिंग मॉडल्स स्टेज पर आ चुकी थी, एक दाई तरफ से और दूसरी बाई तरफ से आ चुकी थी। थोड़ी देर में अंशुमान रणविजय की तरफ आया और उसके कान में धीरे से फुसफुसाया कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। लेकिन रणविजय उस अमेरिकन आदमी पर पूरा विश्वास नहीं कर सकता था। तुम्हें इसके लिए टीना को सावधान किया है? मैं श्योर नहीं हूं कि रितिका ने उसे कुछ कहा है या नहीं। रणविजय चुप हो गया था। वो पहले ही वो सब कर चुका था जो वो कर सकता था। अगर वो अब बैक स्टेज पर जाकर टाइम वेस्ट करता है तो टीना पर इसका गलत असर पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि टीना जब इस प्रॉब्लम का सामना करेगी, वो जानती है कि उसे इन सब से कैसे डील करना चाहिए। वैसे भी रितिका डेविड को सावधान कर चुकी है इस बारे में। रणविजय किसी बात पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। ना उसे कुछ दिख रहा था और ना ही कुछ सुनाई दे रहा था। वो उसकी पत्नी है, वो उसके बारे में चिंता करना नहीं छोड़ सकता था। अब उसे लग रहा है कि वो उसे अपनी बाहों में उठाए और अपनी कंपनी में ले जाए, जहां उसे सच में होना भी चाहिए। टीना जेके के शो के बाद इंटरनेशनल मॉडल के तौर पर बहुत आगे निकल जाएगी। उसे विश्वास है अपनी समर्थता पर। अब उसे कोई भी सुपर मॉडल बनने से नहीं रोक सकता है। टीना फिनाले में 23rd पोजीशन पर थी। रणविजय की नजर अब भी चर्च के गेट पर ही टिकी हुई थी। वो कैमरा से खींची जाने वाली फोटो के शटर को ध्यान से सुन रहा था कि कहां से वो आवाज आ रही है। उसे अचानक से घबराहट महसूस होने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे ऐसा भी कुछ महसूस होगा, जिसे सोचकर उसे इस ठंड में भी पसीना आने लगेगा। मेरी छोटी सी प्यारी सी टीना, हमेशा से मजबूत रहना। तुमने पहले भी बहुत सारी मुश्किलों को दूर किया है। इस इंटरनेशनल स्टेज पर गिर मत जाना। ऐसा नहीं है कि मैं डर गया हूँ, तुम मुझे शर्मिंदा करती हो। मैं सिर्फ परेशान हूँ कि तुम अपने भीतर इतना सारा विश्वास और हिम्मत कहाँ से लाओगी। एक पल के बाद चर्च में चारों तरफ से उसकी वाहवाही की चीखें तेजी से गूंजने लगी। अंशुमान और रणविजय पीछे मुड़े और देखा टीना और डेविड अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। टीना ने काले रंग की गहरे क्लीवेज की ड्रेस पहनी हुई थी। वो उसमें इस वक्त बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसके कंधों पर ब्लैक मंडाला था। जैसे ही वो दोनों स्टेज पर आए, ऐसा लगा जैसे निर्वाणा ने दोबारा जन्म लिया है और एक बार फिर
चारों तरफ से उनकी वाहवाही गूंजने लगी। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। वो बहुत सुंदर है, जैसी उसकी सुंदरता आंख पर पड़ती है। उसकी सुंदरता को देखते ही जैसे मन के एकदम से नशे से छूट उठता है, जैसे उसकी खूबसूरती मंत्रमुग्ध करती जा रही थी सबको। वो अपने चारों तरफ के सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी, जबकि रणविजय और अंशुमान घबरा रहे थे जब वो स्टेज पर आगे आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं वो मेल मॉडल उस तक ना पहुंच जाए इस तरह से। तो पॉकेट एफएम के लिसनर्स, क्या लगता है आपको कि टीना के साथ प्लान किया हुआ हादसा हो सकता है? क्या रणविजय उसे बचा सकता है? बताइए हमें कमेंट सेक्शंस में।